हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ए एम सी कंपनी से रिलेटेड तो अगर हम बात करें मार्केट में पांच ए एम सी कंपनी है आप लोगों ने चार का ही नाम सुना होगा बट पांच भी, भी है बट अब बात करें यहाँ पर दो ए एम सी कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो अंडर परफॉर्मेंस जिनका रहा है आदित्य बिदला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि अभी आई पी ओ आया है एज वेल एज बात करें एच डी एफ सी एम सी तो देखिए एच डी एफ सी एम सी की बात बताऊं तो हमेशा जब भी वीडियो है पंद्रह परसेंट के रिटर्न आपको कमवा के दिए 15 से 20 परसेंट के वो भी तीन तीन महीने के अंतराल पे तो इसी तरीके से अब अपॉर्चुनिटी दोबारा बन गई है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं चीजें किस तरीके से चीजें काम करती है वो भी देखते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलते रहे बाइस सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और जितना हो सके हमें सपोर्ट करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है अब हमें कॉन्टेक्ट

ओके okay, अगर हम देखें जब से आईपीओ आया है सबसे पहले तो ये डिस्काउंट में ही ओपन हुआ और फिर अगर तब से हम देख रहे हैं तो यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट हमें होती हुई नजर आई है तो अब यहाँ पर से थोड़ा सा अपसाइड हमें यहाँ पर से नजर आ रहा है क्यों नजर आ रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं तो अगर देखे तो देखिए अः कंपनी आपको पता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है ए कंपनी अगर हम देखें तो पिछले दो साल डेढ़ साल में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस इनका ही रहा है ओके तो अपने ऑल टाइम हाई को भी कुछ कंपनी ने अपने आप टच नहीं किया है किसी ने टच भी किया है तो उसी के आसपास यहाँ पर, पर ट्रेड कर रही है तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज पर मार्केट में लिस्टेड भी है बट जो कि ऑल टाइम हाई के को अभी तक टच नहीं किया है बट फिर भी अगर हम बात करें तो देखिए यही कंपनी है जो धीरे धीरे करके यहाँ पर चलेगी और आपका पैसा बना के देगी तो जो ज्यादा एक्साइटेड रहता है जो हमें कहता है कि एच डी एफ सी एम सी बेकार है आदित्य बिरला ए एम सी बेकार है निपोन ए एम सी बेकार है तो ये सब चीज बुलशीट है ओके okay, यहाँ पर आपको आदत लग गई है बट जिस दिन आपका पैसा डूबना शुरू होगा ना उस दिन वो आदत आपकी खत्म हो जाएगी एट दैट मोमेंट यू विल रिमेम्बर अस कि हमने यहाँ पर क्या बोला था क्या नहीं बोला था मार्केट कैप तो की, की बात करें आदित्य की तो देखिए अठारह हजार चार सौ नौ करोड़ रुपए की मार्केट कैप है पी थर्टी फाइव का आर ओसी की बात करें फोर्टी फोर थर्टी फोर का है जो की बहुत बेहतरीन माना जाता है इस आर ओ सी से पैसे बनते रहे तो आपको कितना पैसा बनेगा आप यू वॉन्ट इवन इमेजिन डेट की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है कोई प्राइसिंग नहीं है और सात तो सौ तेईस छह सौ उनतालीस लगभग

के, इसका थर्टी नाइन का इसका फोर्टी फोर का है यहां पर कहीं ना कहीं आदित्य बिड़ला ज्यादा अच्छी यहां पर नजर आती है बट स्टिल यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से यहाँ पर स्टॉक्स बता रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आपके सामने है ओके यहाँ पर जंप है यहां पर जंप है नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में तो यहाँ पर जंप है ही है बट ईयरली रिजल्ट में भी यहाँ पर अच्छी खासी जंप है दो से तीन सौ पर सेल्स हुई नेट प्रॉफिट एक से एक हुआ स्टैंड लोन की अगर हम बात करें नंबर तो स्टैंड लोन नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंड लोन नंबर भी इसी तरीके से आपको आते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात

जब से आया है ये चाहिए शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग पर कितने परसेंट की गिरावट हो चुकी है यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग पर 15 परसेंट ये शेयर गिर चुका है अब क्या है अब कहने का मतलब मेरा क्या है कहने का मतलब सिंपल सी ये बात है कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको के दिखा देता हूँ तो एक, यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर एक यहाँ पर शोल्डर बन रहा है शोल्डर बनने के बाद यहाँ पर एक हेड बनता हुआ नजर आएगा और हेड बन के यहाँ पर एक शोल्डर बनकर शायद ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये चीजें ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे सकती है थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा सा पैसा यहाँ पर डाल के आप यहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हैं देख सकते हैं चीजें ओके और कंपनी बेहतरीन तो पैसा डूबने के चांसेस तो ना के बराबर है पर पैसा बनने के के चांसेस की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड नाम से ये चीजें बहुत ज्यादा फेवरेबल मुझे नजर आती है और यहां पर रिजल्ट टारगेट की बात करें इसके हिसाब से तो सात सौ रुपए तक ये शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है तो फिफ्टीन प्लस में यहाँ पर फाइव और बढ़े तो लगभग ट्वेंटी ट्वेंटी का यहाँ पर अपसाइड नजर आता है तो आदित्य बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसकी अब देख सकते हैं हैं बात बात करते हैं। दूसरी कंपनी की HDFC, AMC की देखिए अगर करें आदित्य बिरला की हिस्ट्री हमारे पास ज्यादा नहीं है ओके तो हम इतना ही कुछ कह सकते हैं जो हमारे सामने यहाँ पर चीजें नजर आ रही है बट बात करें हम एच डी एफ सी एम सी की तो एच डी एफ सी एम सी की चीजें हमारे सामने है ओके चीजें हमें यहाँ पर नजर आती है

लार्ज यहां पर अगर मार्केट में इंडिया की आ। स्टॉक मार्केट की बात करें अभी तो यहाँ पर सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यही नजर आती है आर ओ सी आर ओई इसका भी काफी बेहतरीन है डेट फ्री कंपनी है कोई प्लेजिंग नहीं है ओके शेयर और अच्छा खासा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और बहुत अच्छी अगर कर बात करें ए एम सी एयूएम इसके अंडर है यहाँ पर चार लाख अड़सठ हजार अड़सठ सौ करोड़ रूपए के आसपास जो की दिसंबर दो के मुताबिक है और यहाँ पर चीजें अगर हम देखे आर की तो तैतीस के आर ओसी बाईस के सी से कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है तो जो कि बेहतरीन है यहाँ पर बात करें तो इस बार की देखिए सेल्स तो अच्छी खासी हुई थी, होती हुई नजर आई थी बट यहां पर देखे तो यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया और वो भी क्वार्टरली बेसिस तो, तो, तो शेयर में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई थी और वो किसकी वजह से था वो यहाँ पर अदर इनकम अदर इनकम यहाँ पर एक एक करोड़ रुपए की थी लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में और अगर अभी की बात करें छियासठ तो इसी का एक अंतर आता हुआ दिखाई दिया अदरवाइज ये यहाँ पर बीट कर देती और देखिए ईयरली बेसिस पे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था बट क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी गिरावट हुई थी और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर, पर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंपनी एक बेहतरीन है चौदह सौ नब्बे पंद्रह सौ अठारह सौ दो हजार इक्कीस सौ बाईस सौ यहां पर इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है पेंडमिक की वजह से ये कम होते हुए नंबर आए नंबर न अदरवाइज ये नंबर और बढ़ते हुए नजर आते फिर भी थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा ऐसी कंपनी के ऐसी कंपनी को बेकार नहीं कहा जाता जो कहते हैं वो कहते हैं ओके जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा उन्हें पैसा नहीं बन रहा इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं बट ये कंपनी जब यहाँ पर बुल मार्केट खत्म हो जाएगा ना तो यही कंपनी आपको सामने उभर के आएगी और यही कंपनी आपको शायद 100 परसेंट के रिटर्न से ज्यादा देती हुई नजर आए तब ये कंपनी सबके लिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि कोई चीज नहीं चलती ना तो लोग उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं बट जब कोई चीजें चलनी शुरू करती है ना तब वो उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते तो ये ह्यूमन नेचर भी है बट ये ह्यूमन नेचर थोड़ा सा सेल्फिशनेस वाला है जो कि हमें नहीं रखना चाहिए रिजर्व्स की बात करें बहती रिजर्व्स फिर कोई रिजर्व नहीं आ, कोई डेट नहीं है कैश अच्छा खासा है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है आर ओसी काफी बेहतरीन है यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 68.85 है जो कि घटती हुई नजर आई है आपको पता ही है बीच में यहाँ पर एक ग्रुप है जिन्होंने पर स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेचती हुई नजर आई थी जिसकी वजह से यहां पर शेयर भी क्रैश होता हुआ नजर आया था एफ आई ने थोड़ी सी एफ ने हिस्सेदारी कम करी है डी ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास इतनी टेन की हिस्सेदारी है क्योंकि अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन यहाँ पर इन्होंने 5% की पर लेती हुई नजर आई है तो यहां पर जो हिस्सेदारी यहां पर स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट ने बेची थी वो हिस्सेदारी खरीदती हुई नजर आई है तो ये अगर बात करें, तो अच्छे हाथों में ही चीजें गई है बुरे हाथों में नहीं गई है ये चीज आपको समझनी होगी अब बात करते हैं HDFC AMC की एच डी एफ सी एम सी की अगर हम बात करें देखिए चीजें बदल रही है धीरे धीरे वो चीजें चल रही है जो यहाँ पर चल अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया है जिन चीजों ने तो ये चीजें आपको समझनी होगी अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न की चार्ट पैटर्न की बात करें जो इसका आज का सपोर्ट है एक बेहतरीन सपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट इसके बाद बात करें ये सपोर्ट तो हम बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं और ट्रिपल बॉटम जिसे कहते हैं ना एक बॉटम दो बॉटम तीन बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाते हुए ये शेयर नजर आ रहा है और ट्रिपल भी नहीं अगर यहाँ से भी देखेंगे डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है एक बॉटम ये दूसरा बॉटम ये और चीजें अब की जब निकलेगी डबल बॉटम जब बना के निकलती है तो चीजें हमेशा ऊपर की तरफ जाती है इस चीज को आपको याद रखना होगा आर की बात करें यहाँ पर आर की बात करें तो तेईस के आर पे कंपनी यहाँ पर चल रही है और कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है अगर मैं यहाँ से इसका जो अभी रिसेंट हाई था अगर वहां तक के टारगेट अगर मैं यहां पर देखूं तो यहाँ पर कितने परसेंट ये शेयर लगभग 24 परसेंट डाउन हो चुका है तो 24 परसेंट के रिटर्न तो आपको मिलने ही मिलने हैं पहले टारगेट की बात करूं तो पहले टारगेटी एट में में uh, का बट दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करूं तो इसका टारगेट वो बड़ा अच्छा और बेहतरीन टारगेट नजर आता है लोग बिलीव नहीं करते सो इट दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम ओके सिंपल मेरी चीज मुझे है बताने जो चीजें मुझे नजर आती है वो चीज दिखानी होती है सिंपल बाकी अगर बात करें यहाँ पर एक अच्छा

तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार हजार के यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं जो कि 19 प्लस में 24 अगर हम बात करें तो लगभग 40 परसेंट के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं तो ये 40 परसेंट के टारगेट के लिए जा सकते हैं बेहतरीन सपोर्ट लेवल यहाँ से चीटे नीचे नहीं यहाँ से चीटे ऊपर जानी है इस चीज को याद रखिएगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है चीजें समझने की कोशिश करनी है चीजों को बुरा नहीं चीजों को अच्छे नजरिए से देखना शुरू करिए और अगर हम बात करें यहाँ पर तीन चार बार यहाँ पर वीडियो बनाई थी तब तो परसेंट भी मिल गए मिल गए गए हमें मिल 20%, 10 फिर मिल जाएंगे तीस परसेंट और अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा था मे मे से लेके अभी तक अगर तीस परसेंट तीस परसेंट के रिटर्न मिल गए और वो भी एक ऐसे शहर में जहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं थी जो चीजें यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रही तो तीस आपको बनाती हुई नजर आती है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी पेड सर्विस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉन्टेक्ट कर सके सो तो थैंक यू सो मच ब्लेस